मेरे को लगा भाई यार ये कुछ ना चीज चाहिए इनको ऊपर चढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं, सीधा ही भाई बंदर है ये तो। ये बड़ी स्वाद होती है यार, यहाँ के कोकोनट पता नहीं क्यों बड़े मीठे और पानी बड़ा जबरदस्त है, पता नहीं क्यों। ये देखो यार इतने आम लगे मैंने आज तक किसी देश में नहीं देखे, और ये एक आइलैंड है, बिल्कुल एक आइलैंड के ऊपर इतने आम लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है चौथा दिन इस आइलैंड पे। आज मैं जा रहा हूँ फेरी लेकर वापस इस आइलैंड से मोजाम्बिक, मतलब कि वापस मेन लैंड पे। और आज अच्छा सूरज निकला हुआ है, इतनी बुरी किस्मत है यार, मतलब आपको दिखाया है मैंने 4 दिन, आज मेरा चौथा दिन है। एक एक दिन मैंने आपको पूरा दिखाया है मेरे आइलैंड का, सारे दिन बारिश होती रहती थी, सारे दिन ना आपने देखा ही है तूफान आता रहता था। और आज देखो, आज मेरे को जाना है तो बढ़िया सूरज निकल गया यार, इतना बुरी हालत है ना, मतलब कि इतनी बुरी किस्मत किसी की नहीं होगी। कुछ भी नहीं देख पाया मैं इस आइलैंड पे, सिर्फ इसी घर के अंदर मैंने 4 दिन बिता दिए, कुछ भी नहीं देख पाया। और पानी भी खत्म हो गया, ये शुक्र है कि बारिश की वजह से कुछ बर्तन पानी के भर गए हैं, तो मैं पानी तो यूज कर पा रहा हूँ, वरना पानी भी नहीं है यहाँ पर। और ये आग है जिसके आगे मैंने 3-4 दिन गुजारे हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर ये आग ना होती ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं सरवाइव कर पाता यहाँ पर। आग की वजह से सिर्फ मैं सरवाइव कर पाया हूँ यहाँ पर। तो चलो एक अच्छे नए दिन की शुरुआत करते हैं, सुबह सुबह कोकोनट का पानी पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं, और बढ़िया दिन की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखो बढ़िया कोकोनट को काट कर अभी नारियल पानी बढ़िया सा पीते हैं ताकि अच्छे दिन की शुरुआत हो। ये देखो ये मैंगो तैयार है, ये भी तैयार होना चाहिए। हेलो, ये देखो यार इतने आम लगे मैंने आज तक किसी देश में नहीं देखे, और ये एक आइलैंड है, बिल्कुल एक आइलैंड के ऊपर इतने आम लगे हुए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ पानी देखने उस साइड, क्योंकि अभी आंखें भी नहीं खुल रही है, इतना तेज धूप है, क्योंकि व्हाइट सैंड बीच है ना तो आंखों में लग रही है बिल्कुल। और मैं नारियल लेने भी जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले पहले एक दो नारियल और पी लें और आम खा लें कुछ। कोकोनट लेने गया था, ले आया, पर मेरे को तो वो लेके आना था जो सॉलिड वाला कोकोनट नहीं होता, वो यहाँ पर बड़ा टेस्टी होता है। इस भाई के घर पे है, इस भाई से मंगवाऊंगा अभी। अभी मैं इस भाई के साथ आया हूँ इसके घर, ये जो आप सामने जगह देख रहे हो इस भाई की है सारी जगह। इस नारियल के पेड़ के ऊपर वो नारियल मिलेंगे जिसमें आप गिरी खाते हैं, तो ये भाई अभी ऊपर जाएंगे और तोड़ कर लेकर आएंगे, देखते हैं कौन से पेड़ पे चढ़ेंगे ये भाई। मेरे को लगा भाई यार ये कुछ ना चीज़ चाहिए इनको ऊपर चढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं, सीधा ही भाई बंदर है ये तो। और भाई ये छोटा पेड़ नहीं है, देखो सच में, अब ये पेड़ देखो ये छोटा सा है ना, इसके मुकाबले ये 3 गुना है, और भाई सीधा ही चढ़ गए इसके ऊपर। भाई यार ये तो टैलेंट है सच में, तभी लोग आइलैंड पे सरवाइव करते होंगे ना यार, क्योंकि ये सारी उम्र पैदा ही आइलैंड पे हुआ है, तो पेड़ पे चढ़ना तो आता ही है इनको ना, कमाल है। अपा इंडिया में भी मैंने लोग देखे हैं पेड़ पे चढ़ते हुए, पर लेकिन वो कुछ रस्सी वगैरह डालकर फिर चढ़ते हैं, और ये भाई बिना कोई भी चीज़ के यार, कमाल है। और देखो अगर आपको दिख रहा है तो ये नारियल आके गिरा यार, सच में मजाक नहीं कर रहा, ये तो टैलेंट है भाई, एक हाथ से लटका हुआ है यार, कमाल है ना। अपने तो जो लोग कितने साल जिम जाते हैं कैसे करते हैं, उनको उनको भी टाइम लगता है एक हाथ से लटकने में, और ये भाई देखो
अभी नीचे आएगा भाई, देखो 3 नारियल तोड़ लिए हैं। कंफर्टेबल है, दूसरे बंदे नीचे, ये लेडी खड़ी है, इनके साथ बातें भी करे जा रहा है, बिल्कुल कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है कोई दिक्कत है। इस पेड़ पे जाना तो भाई इनके लिए बिल्कुल ऐसा है कि नॉर्मल चलना है, अपने लोग दीवार पे चल भी नहीं सकते। अभी नारियल वापस लेकर जा रहा हूँ मैं घर पे, सामने बिल्कुल जो सामने देख रहे हो वही अपना घर है जहाँ पर मैं 4 दिन रुका। आज आखिरी दिन है बिल्कुल, आज वापस जाने का टाइम आ गया, तो मैंने सोचा थोड़ा एडवेंचर कर ही लें, सूरज निकला है तो इसीलिए नारियल नूरियल लेकर आ रहा हूँ इधर उधर से, बढ़िया टाइम पास करें और क्या कर सकते हैं यार। अब बीच जो है वो तो यहाँ से 2-2.5 घंटे दूर है, वहाँ पर तो मैं जा नहीं सकता, ना लाइट हाउस जा सकता, वो 2.5 घंटे का रास्ता है। ये देखो भाई इनकी टेक्निक जबरदस्त है ना कोकोनट की, अपने से नहीं छीलता इतनी जल्दी, अपने को आधा घंटा लग जाता है कई बार। दिवाली पे मम्मी कहते हैं एक नारियल निकाल दे, गिरी निकाल दे, तो भाई ये आधा घंटा लग जाता है, इसने 5 मिनट में, ये देखो 5 मिनट तो लगे ही नहीं, 1 मिनट में बिल्कुल साफ कर दिया। गिरी इसकी बात कर रहा था, ये खानी है मैंने, ये बड़ी स्वाद होती है यार, यहाँ के कोकोनट पता नहीं क्यों बड़े मीठे और पानी बड़ा ज़बरदस्त है पता नहीं क्यों। अभी भाई पैकिंग का टाइम आ गया है, टेंट समेट लेते हैं क्योंकि 12:30 हो गए हैं, 1-1.5 बजे निकलना पड़ेगा क्योंकि फेरी आएगी ना, तो यहाँ से आधा घंटा 40 मिनट वहाँ स्टेशन पे पहुँचने में भी लगेगा, तो सारा सामान पैक कर लेते हैं अभी। और ये रूम भी क्लियर कर देते हैं अभी। अभी फाइनली इस आग को बाय बोलने का टाइम आ गया है, अभी चलते हैं भाई अपनी फेरी की तरफ क्योंकि 4 दिन यहाँ पर बड़ी मुश्किल से गुजारे, अभी निकलते हैं इस आइलैंड से और फेरी लेते हैं, काफ़ी दिनों से इस जगह पे फंस गए थे बिल्कुल, अभी टाइम है यहाँ से निकलने का। ये भाई ओके बाय, बाय, थैंक यू। आज देखो ये एयरपोर्ट कितना सुंदर दिख रहा है ना, मतलब कमाल है यार, मेरी किस्मत में कोई दिक्कत है तभी मैं जितने दिन इस आइलैंड पे रहा 1 दिन भी सूरज नहीं देख पाया, जिस दिन आया उस दिन देखा और जिस दिन जा रहा हूँ उस दिन देख रहा हूँ, और क्या सुंदर आइलैंड है। सब लोग इसी रास्ते से गुजरते हैं, ये देखो बच्चे भी जा रहे हैं और सामने एयरपोर्ट में कुछ काम चल रहा है, आज पता नहीं क्या काम चल रहा है पर कुछ चल रहा है। उस नारियल के पेड़ के नीचे वहाँ से टिकट ली और अभी जा रहा हूँ छोटी बोट के अंदर, और वो बोट मेरे को छोड़ेगी बड़ी बोट के अंदर, ये सभी लोग जा रहे हैं ना छोटी बोट के अंदर, अपना सामान रखते हैं भाई, कमाल है ना इस आइलैंड की अलग ही सिस्टम है कि मतलब मैंने पहले ऐसा नहीं देखा कि जहाँ पर फेरी ना पहुँचती हो छोटी बोट में बड़ी फेरी में जाना पड़ता हो, ऐसा सिस्टम मैंने नहीं देखा पहले कभी। और अब रखें कैसे सामान देखो आप, सच में मतलब कि शूज पानी में, सब कुछ पानी में भीग जाएगा यार, कैसे करें, जूते और पहन के आया हूँ मैं तो। चलो अभी चलते हैं बोट के अंदर, कमाल का सिस्टम है ना, इस तरह बोट में जाना पड़ता है। और ये देखो वैसे इन्होंने ये ब्रिज बना रखा था लेकिन ये गिर गया वो जो पीछे दिख रही है छोटी सी वो मेरी फेरी है, वहाँ पर जाना है ये छोटी बोट लेकर, इसके लेते हैं सिर्फ ये 25 मेटिकल, यहाँ के इंडिया के मान लो आप 30 या 32 रुपए हो गए उस फेरी तक जाने के, और उसके 280 लेते हैं लगभग 360 रुपए के आसपास। ये देखो आज भी इन्होंने साइड में ही लगाई है बोट, तो हमें यहीं से चढ़ना पड़ेगा, अब क्या करे बंदा। ये देखो पीछे पता नहीं क्यों नहीं लगाते ये देखो इस तरह सारा सामान ऊपर चढ़ाना पड़ता है फेरी में, है ना मुश्किल काम। और मैं यही बोल रहा था ये देखो ये इधर से चढ़ा रहे हैं ना, मेरे को ये समझ नहीं आता पीछे इतनी अच्छी सीढ़ियां बनी हुई है
यहाँ से पता नहीं क्यों नहीं चढ़ाते यार, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों है, ऐसा मेरे को समझ नहीं आया इस फेरी का। ये देखो बढ़िया, लोग बड़े हेल्पफुल है, बढ़िया मदद करते हैं, आराम से इंजॉय करते हुए जाएंगे, सारा सामान अपने आप ही चढ़ा देते हैं, बढ़िया मजा आ रहा है। पर एक्सपीरियंस यार इतने दिन आइलैंड पे रुका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि बड़ा तंग हुआ मैं, आप सभी को पता ही है, आप सबको मैंने दिखा दिया, लेकिन ये आइलैंड बड़ा सुंदर, आप देख सकते हो सामने आइलैंड पे तो टाइम नहीं मिला वीडियो एडिट करने का, यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ फेरी में बैठकर, और क्या करे बंदा। अभी फेरी चल चुकी है, आइलैंड को पीछे छोड़ दिया हमने, पीछे आइलैंड रह गया दैट साइड। फाइनली डॉक के पास पहुंच गए हैं, अभी 2 मिनट में फेरी पहुंच जाएगी यहाँ पर, फिर चलते हैं वापस अपने उसी घर में जहाँ पर मैं पहले वॉलंटियरिंग कर रहा था, उसी घर में, क्योंकि अभी इधर सिटी में आया हूँ ना तो सिटी में भी मौसम खराब हो गया है, मुझे ये डर है कि अभी बारिश आना स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि देख सकते हो आप बादल काफी हुए पड़े हैं और बिल्कुल सूरज दिख नहीं रहा है अभी। वापस सिटी में एंट्री हो गई है भाई, 4 दिन के बाद जिसमें कि मैं तूफान से गुजरा 4 दिन के अंदर, बिल्कुल ऐसे पूरे तूफान के अंदर से गुजरा हूं ना, 4 दिन में पानी सब कुछ खत्म हो गया था, बड़ी मुश्किल से खाना पीना चलाया है मैंने, आप सबने देखा ही है। तो चलो अभी चलते हैं सिटी में, थोड़ा वापस फ्रेश वगैरह नहाते हैं, क्योंकि 4 दिन से शावर भी नहीं लिया है। तो चलो आज की वीडियो करते हैं खत्म, क्योंकि जो सर्वाइवल था आइलैंड का वो यहाँ तक ही था, खत्म हो गया, अभी वापस मैं सिटी के अंदर आ गया हूँ। तो चलो आज की वीडियो करते हैं खत्म, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर सारी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरी 1 साल की जर्नी अफ्रीका की, तो लाइक और वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।